टीकमगढ़ शहर के बीचों बीच बना सेल सागर तालाब इन दिनों अतिक्रमण की चपेट में है। पिछले कई सालों से यहां लोगों ने अवैध तरीके से मकान का निर्माण शुरू कर लिया, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हैरानी की बात तो यह है कि इस तालाब को निजी संपत्ति बताकर बेचा जा रहा है, बावजूद इसके राजस्व विभाग मौन है। राजशाही दौर में और करीब 100 साल पहले लोगों की प्यास बुझाने के लिए सेल सागर तालाब का निर्माण कराया गया था। तालाब के चारों ओर सुंदर बंधान और मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। पहले तो लोगों ने तालाब की बदान पर कब्जा शुरू किया और मकान बना लिया, फिर धीरे धीरे तालाब के अंदर मकान बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। वर्तमान में तालाब के अंदर और चारों ओर मिलाकर करीब 200 से ज्यादा अवैध तरीके से मकान का निर्माण कर लिया गया है। अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ जमीन का मकान बनाने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं के स्थान पर अवैध तरीके से की जा रही है। पिछले एक दशक से तालाब की जमीन बेचने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस पूरे मामले में प्रशासन पूरी तरह से उदासीन बना हुआ है। वहां पर कुछ दुकान भी अतिक्रमण क्षेत्र में बनी हुई है। इस मामले में SDM CP पटेल का कहना है, मामले की जांच कर कार्यवाही की जा रही है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या मामला और क्या कार्रवाई होने वाली है उस पर आज हमारे पटवारी साहब ने प्रतिवेदन भी दिया है। दो तीन लोगों की टीम बनाई थी हम लोगों ने सेल सागर में लगातार अतिक्रमण करके, और जो हमारा पानी वाला एरिया था उसमें भी पानी का कैचमेंट एरिया था उसको भी स्टाम्प पर बेच करके और लोगों को रजिस्टर दे करके और मकान बनवाए जा रहे हैं, जिसकी जांच हम लोगों ने करा ली है। निश्चित रूप से वो पूरा का पूरा अवैध है, क्योंकि कोई भी तालाब है, बावड़ी है, इस टाइप के जो भी सार्वजनिक उपयोग की चीज़ें हैं उनको हम बेच नहीं सकते हैं। तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई बन रही होगी कलेक्टर महोदय को प्रेषित करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।